उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीते दिन एक छात्रा की सड़क दुर्घटना में जान चली गई। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। करीब 10 वर्षीय एक छात्र स्कूल बस से बाहर की ओर झांक रहा था, तभी अचानक छात्र एक बिजली के खंभे से जा टकराया और इस दुर्घटना में छात्र की जान चली गई। इस मामले पर परिजन पुलिस प्रशासन पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं इस दुर्घटना को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने स्कूलों को रोड सेफ्टी क्लब बनाने का निर्देश जारी कर सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं। ये क्लब प्रदेश के सभी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी शैक्षणिक संस्थानों में बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा, प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए बड़े स्तर पर काम किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने जिम्मेदारों को प्राथमिकता के आधार पर रोड सेफ्टी क्लब बनाने का निर्देश दिया। सीएम ने ये निर्देश लखनऊ में एक बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के प्रेजेंटेशन को देखने के बाद दिया था। आपको बता दें कि रोड सेफ्टी क्लब के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में पैनिक बटन लगेंगे। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी रोडवेज की बसों में पैनिक बटन लगाने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रोडवेज बसों के जरिए पार्सल और कुरियर सर्विस शुरू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश के 26,000 से ज्यादा गांवों को यूपी रोडवेज की बसों में जोड़ा गया है। अब हर गांव को इससे जोड़ने के लिए काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही रोडवेज के बेड़े में शामिल होगी 2,000 अनुबंधित बसें। सीएम योगी ने यूपी रोडवेज को अपने बेड़े में 2,000 अनुबंधित बसों को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। भविष्य में 5,000 नई बसों को शामिल कर बेड़े के विस्तार की योजना को आगे बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया। सीएम ने अधिकारियों को अगले 6 महीने के अंदर बुंदेलखंड और पूर्वांचल के सभी बड़ी नदियों की मिनरल मैपिंग करने और जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में नए खनन क्षेत्रों को शामिल करने के भी निर्देश दिए।